पावलोव दी क्लासिकल कंडीशनिंग सीरीज़ विच पार्ट वन विच असी कर चुके हाँ कि क्लासिकल कंडीशनिंग दियाँ बुनियादी धारणावां की सी, उहदे विच मेन कंसैप्ट जिस तो बिना थ्यूरी समझ नहीं आती, स्टिमुलस रिस्पोंस उहदे रिलेटिड कंसैप्ट ते टाइप्स नूं समझिया सी। पार्ट टू विच समझांगे कि पावलोव दी टोटल कंट्रीब्यूशन की है, पावलोव नूं एज अ साइकोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, थ्यूरिस्ट और एज ए थिंकर समझा गया। जन्म तो मौत तक उन्होंने पब्लीकेशनज सिर्फ उ इनफोरमेन जी कि एसे टाइप क्वेश्चन या एम सी क्यू टाइप क्वेश्चन ही पूछी जाती है विद लॉजिकल ट्रिक्स के उस इनफोरमेन रिटेन किदा करना है। सो ये सीरीज़ इस तरह चलेगी, लार्ज नंबर ऑफ वीडियोज़ हो गया, हर वीडियो के नाल एक फॉलोइंग वीडियो जरूर होएगी कि जिहदे विच एम सी क्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सैट वजो पूछे जाएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वीडियो वक्रे तौर पर होएगी। वीडियो इंग्लिश ते हिंदी दोनों विच अवेलेबल होएगी जिन्हों के लिंक्स नीचे दिते गए हैं। हाँ, वीडियो का फायदा DLED BEd MEd प्लस वन टू साइकोलॉजी BA साइकोलॉजी MA साइकोलॉजी जे ऐसे टाइप क्वेश्चन करने हैं, MCQ टाइप क्वेश्चन ले ही फायदा भी रहेगा। नाल नाल ही टैट UGC नेट सुपर टैट रीट UP टैट हर तरह के कॉम्पीटेटिव एग्जाम ली, क्योंकि सेम वीडियो हिंदी ते इंग्लिश विच भी अवेलेबल होएगी। लिंक नीचे होएगा, तुसी क्लिक करके देख सकते हो। पार्ट वन शुरू करते हाँ पावलोव दे नाल जान पछाण तो। पावलोव दे नाल जान पछाण लई इसलिए इसनू हैडिंग बनाया गया है क्योंकि MCQ विच अनेक तरह के क्वेश्चन जनरली टैट UGC नैट विच पूछे जाते हैं। दूसरा, जो ऐसे टाइप क्वेश्चन दे एग्जाम्पल देनी है, शुरुआत करनी है, तो नैचुरली है इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। सब तो पहला इवान पावलोव का फुल नेम अक्सर उहदे विच पूछ लिया जाता है, इवान पेट्रोविच पावलोव। इन्हों का जन्म कदों होया 1849 और डैथ कदों हुई 1936। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ के रशियन सन और फिजियोलॉजिस्ट सन। इस वीडियो विच सिर्फ उही शब्द ज़्यादा चुन के रखे गए जेड़े नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका उत्तर हुंदा है। पंजाबी विच रूसी शरीर विज्ञानी सन, इस साइकोलॉजिस्ट नहीं सन। एक शिफ्ट आया जिहड़ा अगे चल के गल करते हाँ जिहदे विच क्लासिकल कंडीशनिंग थ्यूरी का जन्म हो गया। इन्होंने स्टडी की कीता सी, नंबर एक रिफलैक्सिज, नंबर दो प्रोसैस ऑफ डाइजेशन। पंजाबी विच रिफलैक्सिज नू रिफलैक्सिज ही कहा जाएगा और पाचन की प्रक्रिया इस नू जरूर अंडरलाइन कर लेना चाहिए है, पाचन की प्रक्रिया और रिफलैक्सिज। पावलोव ने प्रयोग जो अपने एक्सपैरीमेंट किए किन्हां ते किए, डॉग्स ते, एक डॉग ते नहीं किया, ये भी याद रखना है। कुत्तियां ते विस्तृत प्रयोग नाल क्लासिकल कंडीशनिंग का अध्ययन किया ते 1897 विच, ये याद रखने योग गल है कि पहली पब्लीकेशन उन्हां प्रयोग के आधार ते 1897 विच पब्लिश की गई। पावलोव दी क्लासिकल कंडीशनिंग केड़े साल विच दित्ती गई, उसका उत्तर की हो सकता है? नॉर्मली एक जिहड़ा ईयर हुण मैं दस्या है 1897, दूसरा उत्तर बनता है 1901, तीसरा उत्तर बनता है 1904। क्वेश्चन की है कि पावलोव ने अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग कदों दित्ती, ये उत्तर चार क्यों ने? 1904 विच नोबल प्राइज मिलिया सी। नॉर्मली जिहड़े अज तक क्वेश्चन पूछे गए ने उन्हां विच ऑप्शन 1904 हुंदी है, लेकिन उसकी थ्यूरी 1901 विच हो चुकी सी। जेकर तुसी फॉरन ऑथर दियां बुक्स नूं पढ़ो यूट्यूब जां नैट ते गूगल ते तुहानूं इह इनफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ते इह सी जानकारी लै आए हां कि 1897 विच प्रयोग दे आधार ते उसने पहली पब्लीकेशन दे दित्ती सी, लेकिन ये याद रखने की जरूरत है कि पहले प्रयोगों विच ही थ्यूरी बननी सीगी। डाइजेशन ते रिफलैक्सिस ते स्टमक दी हारमोन दे रिलीज़ होण ते वो कम कर रहे सन, फिजियोलॉजिस्ट दे तौर ते, शरीर विज्ञानी दे तौर ते कम कर रहे सन, लेकिन ये एक्सीडेंशली जिहड़ी थ्यूरी सी वह साइकोलॉजी वल तुर गई। सो जेकर ऑप्शन तुहानू ये तीनों ऑप्शन आउंदियां हैं तो तुसी इसनू प्रैफर करना है, इदो थ्यूरी होई। जे ये ऑप्शन नहीं है तो 1901 नू प्रैफर करना है। जेकर ये दोनों ऑप्शन नहीं हन ते 1897 है तो 1897 लिखोगे। इन्हां प्रयोगों ते इन्हां पब्लीकेशन तो बाद पावलोव का नाम बार बार क्यों लिया जाता है, क्वेश्चन क्यों आते हैं? क्योंकि कंडीशनड रिफलैक्स की धारणा का विकास इन्होंने किया सी। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है
कि कंडीशनड रिफ्लैक्स दा जड़ा जन्म है दाता कौन है वो इवान पावलोव है दैट इज वाई इन्हों फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग भी किया जाता है। हाँ गल याद रखने योग है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग आती है नाल वाटसन का नाम आता है। ये गल अगे चल के करते हाँ कि पावलोव दे ए एक्सपैरीमेंट ते कंट्रीब्यूशन तो बाद वाटसन ने जो एक्सट्रीम एनवायरमेंटलिस्ट सी उसने अल्बर्ट ते एक छोटे बच्चे ते एक्सपैरीमेंट किए सी उसकी वीडियो वक्री होएगी नीचे लिंक तो क्लिक करके देख सकते हो। क्लासिकल कंडीशनिंग डिवेलप करन तो बाद क्लासिकल कंडीशनिंग दी इंपॉर्टेंस नू इना ने ह्यूमन बिहेवियर नू स्टडी करन लई एक अप्रोच दिती सी जो लिखा है इत्थे की है बाद विच उसने एक पहुँच विकसित की एक अप्रोच एक मैथड विकसित किया जिसने दिमागी प्रणाली मतलब कि नर्वस सिस्टम नाल मनुखी विहार का संबंध अध्ययन विच कंडीशनिंग का महत्ता ते जोर दिता गया मतलब कि कंडीशनिंग की थ्यूरी सी कंडीशनिंग की थ्यूरी ते जोर दिता गया है जिस दे जरिए कि ह्यूमन बिहेवियर नर्वस सिस्टम ना किवें संबंधित है क्योंकि स्लाइवेशन जो आना है वह भी नर्वस सिस्टम का एक रिस्पोंस है उस ना किवें संबंधित है इस ते जोर दिता गया। इस तो इलावा इना दी जो मेन कंट्रीब्यूशन रही वह की सी पहला भी गल कर रहे हैं 1904 विच इना नू नोबल पुरस्कार मिलिया। पुरस्कार कादे विच मिलिया फिजियोलॉजी जां मेडिसन लई नोबल पुरस्कार मिलिया याद रखना जरूरी रहेगा क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टडी की किता रिपीट है नवा शब्द है गैस्ट्रो इंट्रास्टाइनल सीक्रेशन डॉग्स ने एक्सपेरिमेंट किया सी गैस्ट्रो ए है लार्ज इंट्रास्टाइन इन्हों और इन्हों दे विचो किवें सिक्रीशन मीन कोई मादा बनता है रस बनता है ते निकलता किवें है वह स्लाइवेशन के रूप में समझ सी इसलिए स्लाइवेशन नू मयर मापिया जाता। सिक्रीशन का की मतलब है कि साड़ियाँ आंतड़ियों विच जां ग्लैंड्स विच एक तरह का रस पैदा होंदा है जो तुसी इस इमेज विच देख रहे हो कि दिखाया गया है कि ये उहदे छोटे छोटे रस दे अणु हन जो कि स्लाइवेशन बनता है तो जिसनों पावलोव ने स्टडी किया सी। हाँ जेकर पावलोव दी बुक बारे कंट्रीब्यूशन पूछी जावे तो एप्लीकेशन ऑफ पावलोव कंडीशनिंग वर्क ऑन मेंटल इलनेस रिजल्ट इन बुक एंटाइटल अगली गल ये याद रखने योग है कि पावलोव दी क्लासिकल कंडीशनिंग नू बाद विच मेंटल इलनेस नू रिजॉल्व करन लई किवें वरत्या गया उसते ये बुक पब्लिश हुई सी इसका नाम पूछा जा सकता है कदों पब्लिश हुई 1941 पूछा जा सकता है। बुक का नाम की है कंडीशनड रिफ्लैक्स एंड साइकेट्री हुण ये इन्ने नाम याद नहीं रहिंदे असी याद किदां रखना है वह मैं तरीका दसदा हाँ कि कुछ एक शब्द जिहड़े हमेशा ही पावलोव नाल जुड़े गए असी वह शब्द आइडेंटिफाई कर लेने हैं। इस तो इलावा इवान पावलोव दियां होर बुक्स भी पूछियां जा सकदियां हन लेकिन इन्हां विच्चों तुहानूं ज़्यादा याद रखने कोई भी वैसे याद रखने की जरूरत नहीं पेगी मैं दसदा हाँ। एक तो कंडीशनड रिफ्लैक्स इन्हां दी बुक है इंपॉर्टेंट दूसरे है साइकोपैथोलॉजी एंड साइकेट्री तीसरा है द वर्क ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। याद रखने का तरीका की है कंडीशन शब्द या रिफ्लैक्स नाल हमेशा आया है तो पावलोव ही आना है आर फॉर पावलोव है आर का छोटा रख लो तो पी बन जाती है इधर साइकोपैथोलॉजी साइकेट्री फिर ये जड़ी जड़ी है पी फॉर साइकेट्री पावलोव नाल जुड़ती है और वर्क ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड डाइजेस्टिव की असी गल पहला कर रहे हैं वह भी पावलोव नाल ही जुड़ता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जिहड़ा पावलोव नाल जुड़ता है कि वह बिहेवियरिस्ट सन बिहेवियरिस्ट दे कुछ एक विशेष गुण होंदे हन जिहड़े कि हाईलाइट किए गए हैं। बिहेवियरिज्म की कहिंदा है इसके सिद्धांत के निरीक्षण योग व्यवहार से जोर दिंदा है और जो रिस्पोंस है उसनों मापिया जा सके ये कहिंदे हन कि सोच नूं मापिया नहीं जा सकता इसलिए अपने एक्सपैरीमेंट जां लर्निंग प्रोसैस विच सोच नूं शामिल नहीं करते उसके ना शामिल करन दा
कारण की है, क्योंकि सोच नु थिंकिंग नु एब्सट्रैक्ट है, अंदर है, देखा नहीं जा सकता। ब्लैक बॉक्स थ्योरी है, बिहेवियरिज्म जो पढ़ावांगा वक्री वीडियो है, नीचे लिंक देख सकते हो, उदो इन्हां दीआं गल्लां करांगे कि ये ब्लैक बॉक्स थ्योरी है या वाइट बॉक्स, उसका मतलब की है। तीसरा, बिहेवियरिस्ट वातावरण ते बहुत जोर दिंदे हन कि वातावरण दे नाल शेप हुंदा है, वातावरण दा ही पार्ट स्टिमुलस हुंदा है, असीं पिछे समझ के आए हाँ पिछले वीडियो विच। सो बिहेवियरिस्ट नूं समझना है इंग्लिश विच, शब्द ने साडे कोल नंबर एक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, नंबर दो मेयरेबल बिहेवियर, थॉट नहीं हो सकते, तीसरा है एनवायरमेंट। जो पावलोव दा क्लासिकल कंडीशनिंग दा एक्सपेरिमेंट करांगे ता ये शब्द तुहानू बड़े ही क्लीयरली समझ आणगे कि मापण योग किवें है, क्योंकि सलाइवे नू मापना है, इन्हां नू याद किवें रखना है वह तुहानू मैं अलग तौर पर दसदा हाँ। अगली विशेषता पावलोव दी की सी कि अत्यंत मुखी वस्तुनिष्ठ विज्ञानी, एक्सट्रीम ऑब्जेक्टिव साइंटिस्ट। इस दे उल्ट शब्द केड़ा है, वस्तुनिष्ठ दे उल्ट शब्द केड़ा है, वस्तु परक जां सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव वो बंदा हुंदा जिहड़ियां परसनल फीलिंग एक्सपेरिमेंट नू जां जिस ते तुसी रिसर्च कर रहे हो वो उस तो इफेक्ट हुंदी है, लेकिन पावलोव कहिंदा है कि तुहाडी सब्जेक्टिव फीलिंग जां कोई इंटरवेनिंग वेरिएबल तुहाडे प्रयोग विच नहीं आना चाहिदा, जो जिद्दां वापरिया उस तरह ही उसनू ऑब्जर्व करना चाहिए है, उस तरह ही कम्युनिकेट करना चाहिए है। इस तो स्पष्ट है कि इस साइंस का सब तो ज़्यादा जोर पावलोव ते रहा है, डार्विन दे सिद्धांतों का प्रभाव इन्हां ते रहा है। तो ये एक्सट्रीम ऑब्जेक्टिव साइंटिस्ट हैं, यही कारण है कि इन्होंने साइकोलॉजी नू एज ऑब्जेक्टिव साइंस किया, क्योंकि पहला फिजियोलॉजिस्ट सन, साइंटिस्ट सन, जो साइकोलॉजी का जन्म जां साइकोलॉजी के पिछले जो स्कूल सन स्ट्रक्चरलिज्म फंक्शनलिज्म, उस तो बाद बिहेवियरिज्म आया, तो चेंज की सी कि साइंस नू साइंटिफिक मैथड नू अपलाई किया गया, जो कि इन्होंने अपने एक्सपैरिमेंट विच किया। तो पावलोव ते वाटसन का विश्वास है कि मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ विज्ञान होना चाहिए है, जो मानसिक प्रक्रिया के हवाले तो बिना व्यवहार का अध्ययन करता है, मतलब कि थिंकिंग थॉट्स आइडियाज इन्हों परां करके बाहर जो दिखाई दिंदा है व्यवहार, जिद्दां मेरिया मूवमेंट्स दिखाई दिया, मैं बोल रहा हाँ, मैं हिल रहा हाँ, मेरी अखां नू पढ़ सकते हो, मैं कदों की करदा हाँ, बच्चा लिखता है, यह सारा व्यवहार है। नैक्सट पावलोव की विशेषता की सी, पावलोव कौनसन एसोसीएशनिस्ट सी, वक्रे बिहेवियरिज्म दे वीडियो च दसांगा कि एसोसीएशनिस्ट कौन हुंदे हन और फंक्शनलिस्ट कौन हुंदे हन, केड़े बिहेवियरिस्ट हल है, थॉर्नडाइक है, गुथरी है, स्किनर है, ये बिहेवियरिज्म दे कित्थे स्टैंड करते हैं, इन्हां दे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। सो एसोसीएशन हन ये इन्ना ही याद रखना जरूरी है। जे क्लासिकल कंडीशनिंग की डेफिनेशन देखनी हो तो इतों पढ़ सकते हैं, लेकिन अगे चल के इसकी गल करांगे डिटेल विच। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पावलोव दी क्लासिकल कंडीशनिंग का जन्म या हेठ लिखे विचों कि लर्निंग थ्यूरी का जन्म घटना एक्सीडेंशियल तौर पर होया घटना वाजोग। सो क्लासिकल कंडीशनिंग, क्योंकि फिजियोलॉजी नू समझ रहे सन, डायजेस्टिव सिस्टम नू, लार्ज इंटेस्टाइन नू, उतों की गड़बड़ हुई ये रीड कर सकते हो। पावलोव दी इंट्रोडक्शन जो की है उसके मेन पॉइंट जिन्हां दे बेस ते एमसीक्यू बनते ते आंदे ने उन्होंने याद किवें रखना है, जां ऐसे टाइप क्वेश्चन जो करना है उसकी इनफॉर्मेशन नू याद किदां रखना है कि तां जो अच्छी इंट्रोडक्शन बन सके। उहदे लई लॉजिकल ट्रिक्स या मैमरी बेस्ड ट्रिक जो डिवेलप कर रहा हाँ वो तुहाडे सामने रखन लगा हाँ, तुसीं इसे तरह अपने पेज ते लिखना है जिस तरह मैं लिखन लगा हाँ, नालों नाल ये सारी इनफॉर्मेशन लगभग दो मिनट विच याद हो जाएगी। सब तो पहला मैं लिख रहा है पावलोव, फिर उस तो बाद प नू चार समझ के मैं इस तरफ एरो दिता और इत्थे चार उसे तरह लिख लिया, और चार तो पहला मैं इत्थे एक लिख लिया, जे नहीं याद रहिंदा इसका एक याद रहेगा इहदे नाल जोड़ लो, और उस तो पिछे मैं लिख लिया 97। एक ही याद हो गया मैनू, 1904 विच नोबल प्राइज़, 1901 विच थ्यूरी डिवेल्प, और 1897 विच पहली पब्लीकेशन, ये गल्लां कर रहे हैं। दूसरा पावलोव तो मैं की लर्न किया, इसनों फिर इधर एरो देता छोटा करके, तुम इधर कर सकते हो, इधर कर सकते हो, जिमें मर्जी कर सकते हो, याद रखना है बस कि प तो पाचन ते उसने काम किया सी डाइजेशन ते। तीसरा मैं याद की रखिया कि इस व नू नीचे कीता और इत्थे लिख लिया व्यवहारवादी, व्यवहारवादी, व्यवहारवादी कौन हुंदे हन, मैं वावे नू फिर इस दे थल्ले व तो ही खिंच के लिख लिया वातावरण ते जो ज्यादा जोर दिंदे हन।
हेरिडिटी ते नहीं वातावरण ते जोर दिंदे। वातावरण होलिस्टिक है और उसका एक पार्ट चक्या मैं ए त दा बना लिया ऊ जो उद्दीपन जवाब दी गल करदे हन तुसी इस नू स्टिमुलस रिस्पांस भी कह सकते हो उत्तेजना प्रतिक्रिया भी कह सकते हो। उद्दीपन दे नां तो मैं याद रखिया के निरीक्षण योग ते मापन योग व्यवहार इसे व्यवहारवाद दे र नू मैं उपर लै गया ते इत्थे लिख लिया रूसी फिजियोलॉजिस्ट फिर र तो एरो मैं खिंच लिया रूसी फिजियोलॉजिस्ट जिसने फिजियोलॉजिकल रिफ्लैक्स स्टडी की सी ते फिजियोलॉजिकल रिफ्लैक्स ते स्टडी करदे करदे सस्से नू फिर चक्या और साइकिक रिफ्लैक्स ते पहुंच गया एक घटना दे जरिए जेड़ा पिछे जिक्र कर रहे हाँ और इसे साइकिक रिफ्लैक्स नू उसने पक्के तो चक लिया कंडीशन रिफ्लैक्स दा कंसेप्ट दिता तो फादर ऑफ कंडीशनड रिफ्लैक्स वो बन गए। यही शब्द कंडीशनड रिफ्लैक्स जेडे मेन ये चाहे ने जो बुक्स के नाम इन्हों के याद रखने इन्हों के ही आने हैं वह मैं इतने लिखे ही नहीं कि जो भी इस तरह का कुछ आता है पावलोव का ही होएगा। जिन्हें विद्यार्थियों को इस तो बिना ही वीडियो तो इनफॉर्मेशन याद हो गई है उन्होंने ये कंसैप्ट मैप बनाने की जरूरत नहीं पेगी पर एक बार तुम इस बना लिया ये पक्का है कि एक बार दो बार रिवाइज किया बोल के लिखिया जिस तरह मैं बोलता रहा हाँ उस तरह तुम 100% किसी भी एग्जाम लिए इस इनफॉर्मेशन याद रख लो।